सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी अपकिरण की माप। सेंटर टेंडेंसी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन अपकिरण की माप, यानी कि जो वैल्यू निकाली जाती है एवरेज, उसके आसपास की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल की वैल्यू होती हैं वो आसपास की वैल्यू में उपस्थित होती हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन अपकिरण की माप। अपकिरण के माप वह माप होते हैं, जैसे एवरेज किसी भी सीरीज़ में 5 आ गया, 1 से स्टार्ट होकर 50 तक, तो हो ज़रूरी नहीं 5 ही आपका एवरेज वैल्यू हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो। तो इस 6 और 7 की वैल्यू को क्या कहते हैं अपन? अपकिरण कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सांख्यिकी माध्यम से जानकारी नहीं हो पाती विभिन्न पदमूल्य औसत मूल्य से कितनी दूरी पर है, या पदों के फैलाव और बिखराव को बताने वाले को अपकिरण का माप कहते हैं। यानी शॉर्ट में माने तो मूल्यों के बिखराव को बतलाने वाले माप को ही अपकिरण का माप कहलाता है, यानी डिस्पर्शन कहलाता है। अब ये दो प्रकार के माप होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्शन। निरपेक्ष माप होता है जो नॉर्मल माप अपन निकालते हैं, जबकि रिलेटिव माप यानी सापेक्ष माप वो माप होता है जो तुलनात्मक रूप से होता है, जिसको अपन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कर लेते हैं, यानी अपकिरण का गुणांक जिसके अपन तुलना की जा सके। अपकिरण के निरपेक्ष माप की समंकमाला के प्रसार बिखराव विचरण को उस श्रेणी की इकाई में व्यक्त किया जाता है, जैसे व्यक्तियों की आयु, भार आदि के अपकिरण के निरपेक्ष माप को क्रमश रुपये, किलोग्राम, वर्ष आदि के रूप में प्रकट किए जाते हैं। निरपेक्ष मान दो या दो से अधिक श्रेणी में तुलनात्मक अध्ययन के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि विभिन्न श्रेणी की इकाइयां भिन्न हो सकती हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए निरपेक्ष मापों को बदलना आवश्यक होता है। अपकिरण निरपेक्ष माप को संबंधित माध्य से भाग देने पर जो अनुपात आता है अपकिरण का सापेक्ष माप कहलाता है, यानी तुलनात्मक माप। यह समंकमाला की इकाई में व्यक्त नहीं किया जाता है, वरन अनुपात में व्यक्त किया जाता है, और इसे अपकिरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। यानी कि जो वैल्यू निकालेंगे अपन फॉर्मूलाज द्वारा डिस्पर्शन में, वो दो तरह की वैल्यू निकालेंगे, निरपेक्ष और सापेक्ष वैल्यू। अब बात करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, यानी डिस्पर्शन के क्या मेथड हैं, किस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कितनी विधियां हैं। तो मुख्यतः देखें तो दो विधियां हैं, एक तो मैथमेटिकल गणितीय, एक बिंदु रेखीय जिसको ग्राफिकल। ग्राफिकल में एक ही लोरेंज वक्र द्वारा अपन अपकिरण ज्ञात करते हैं, जबकि गणितीय विधियों को भी दो भागों में और डिवाइड किया है, मेथड ऑफ लिमिट्स और मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन, यानी कि सीमा रीति और माध्य विचलन रीति। सीमा रीति को भी चार भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट है रेंज, सेकेंड है इंटरक्वार्टाइल रेंज और थर्ड है परसेंटाइल रेंज। जबकि अगर डेविएशन की बात करें एवरेज डेविएशन की, तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मेन डेविएशन हो गया, तीसरा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि जो क्वेश्चन अपने बीकॉम में आते हैं वो इन्हीं तीनों में से आते हैं। ये चैप्टर उसी स्टूडेंट को सही से आ पाएगा जिसने सेंटर ऑफ टेंडेंसी अपकिरण के फर्स्ट माप जो अपन मध्य का बहुलक और समांतर माध्य ढंग से पढ़ रखा हो, उसके बाद अपन तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, जबकि रेंज वगैरह में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब बात करेंगे रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज के क्या फॉर्मूले हैं, किस प्रकार अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो रेंज तीनों सीरीज़ में अपन ज्ञात करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज और कंटिन्यू, क्योंकि क्वेश्चन तीनों से सीरीज़ में से किसी भी सीरीज़ में पूछा जा सकता है। और सेकंड ये हो गया आपका, ये तीनों माप हो गया आपका निरपेक्ष माप, जबकि ये माप आपका हो गया सापेक्ष माप। तो दोनों प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। रेंज की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है आर मीन्स रेंज बराबर एच माइनस एल, एच मीन्स हाईएस्ट वैल्यू और L मीन्स लोवेस्ट वैल्यू, यानी सबसे अधिक वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू अपन लेस कर देंगे उस सीरीज़ की, तो आपकी रेंज प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी वही करेंगे, फॉर्मूला वही है इसमें, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी भी दी होगी तो फ्रीक्वेंसी को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। और जो एक्स का जो वैल्यू है
उसी के आधार पे अपन हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकाल के रेंज ज्ञात करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज में भी वही फ्रिक्वेंसी को ध्यान में नहीं करेंगे, या तो इसमें दो भाग हैं, या तो मिड वैल्यू निकाल लेंगे वर्गंतराल से, या फिर वर्गंतराल का ही हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ले लेंगे। और जब सापेक्ष मान निकालेंगे अपन कोफिशेंट, तो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपके पास एस माइनस एल, और उसको प्लस में करके तो कोफिशेंट आ जाएगा सेकंड माप। ऐसे ही बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, तो जो Q3 निकालेंगे, अब इसकी बात करें तो सेम ये मध्य का पैटर्न की तरह होगा। इसको पहले असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में जमाएंगे क्वेश्चन को, उसके बाद उसमें एम ज्ञात करते थे मध्य का, इसमें क्यू ज्ञात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो एन प्लस वन अपॉन फोर आएगा क्वार्टाइल लेंथ, उसमें क्या आता था 2 आता था, और इस प्रकार अपन इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज ज्ञात करेंगे। लास्ट में परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10 यानी 80% वैल्यू इसमें से अपन ज्ञात कर लेंगे, और इसमें भी 50% वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज कंप्लीट हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में भी 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल डिस्क्रीज कंटिन्यू, और अपन दूसरा माप निकालेंगे तो सापेक्ष माप हो पाए, जिसको कोफिशेंट ऑफ रेंज कहा जाता है। फर्स्ट में QD यानी क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, ठीक है, 3 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा इसमें। तो इसमें पहले स्मॉल Q3 इसमें सेम निकल जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में जमाएंगे, और सामने वाली वैल्यू Q1 Q3 आ जाएगी, वही ज्ञात करेंगे। यानी कि जो फॉर्मूलेज ये हैं Q3 Q1 के, वो यही इस प्रकार ही ज्ञात करेंगे। ये 75% वैल्यू और 25% वैल्यू को शो करते हैं, जब लेस करते हैं तो 50% वैल्यू अपन उसमें ज्ञात करते हैं, यानी फिक्र जो बिखराव है उनका वो 50% वैल्यू का होता है। इस प्रकार इसमें भी फिर उसके बाद अगर कंटिन्यू सीरीज हैं तो ये फॉर्मूले लगा देंगे, जो कि मध्यिका की तरह ट्रीट होते हैं। अब बात करते हैं मेन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मेन डेविएशन हो गया, रेंज हो गया, अब मेन डेविएशन हो गया। तो मेन डेविएशन हो गया, तो मेन डेविएशन सबसे पहले तो अपन नॉर्मल मध्य निकालेंगे, मध्य का निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। उसके बाद जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, और फॉर्मूला इस प्रकार है। तो मेन डेविएशन अगर समांतर माध्य से निकालेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज में यह वाला फॉर्मूला लगेगा, कंटिन्यू डिस्क्रीज में यह वाला लगेगा, कंटिन्यूज में लगेगा। अब कोफिशिएंट में निकालेंगे सापेक्ष मान में, तो जिस माध्य से अपन ने मेन डेविएशन निकाला उसी का अपन उसी के विषय डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट आ जाएगा। मीडियन डेविएशन यानी मीडियन से निकालेंगे, और ये हो गया मोड, ये हो गया मीडियन, और ये हो गया मेन। मेन से यानी समांतर माध्य से निकालेंगे, तीनों फॉर्मूलाज लगेंगे। ये हैं डायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले हैं। मेन से निकालेंगे तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और मीडियन मोड से निकालेंगे बहुलक से तो ये वाले फॉर्मूले लेंगे। इसको अपन फॉर्मूले का विस्तार रूप अगले चैप्टर में जब अपन मेन डेविएशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी इस फॉर्मूले को आप नॉर्मली समझो तो ये नंबर ऑफ dx निकालेंगे, उसके बाद n हो जाएगी जो नंबर ऑफ आइटम हो जाएगी। इसकी बात करें तो f जो आपको दी होगी फ्रिक्वेंसी, फिर dx यानी डेविएशन निकाल देंगे, और n मीन्स सिग्मा f यानी टोटल फ्रिक्वेंसी होगी, ऐसे इसमें होगी, और टोटल तीनों में कोफिशेंट निकाल देंगे। जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा वैसे निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन नॉर्मल किससे निकालेंगे, मध्यिका से निकालेंगे यानी मीडियन से निकालेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन का इसका फॉर्मूला ठीक है और सॉल्यूशन सरल है। इनडायरेक्ट मेथड में मीन डेविएशन अगर इनडायरेक्ट मेथड में देखें तो ये फॉर्मूलेज लगेंगे। उसमें जब इनडायरेक्ट की बात आती है यानी शॉर्टकट मेथड की बात आती है, तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले अज्यूम ए वैल्यू मान लेते हैं, तो इसमें अज्यूम कर लेंगे और उसके आधार पर ये फॉर्मूला लगेंगे जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तीनों में मेन डेविएशन और मीडियन डेविएशन और मोड डेविएशन।
और जब कोफिशेंट निकालेंगे तीनों का तो उसी मध्य का भाग दे देंगे जिस माध्य से अपन ने डेविएशन निकाला है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन। विचलन मीन डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेविएशन निकालेंगे और उसका वर्गमूल कर लेंगे, और जो ये सिंबल है वो मीन डेविएशन का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का चिन्ह, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कर दो या फिर आपका फॉर्मूला स्मॉल डेल्टा जिसको अपन बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा। कोफिशेंट ऑफ रेंज, कोफिशेंट इस प्रकार से अपन कोफिशेंट रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, किस से निकाला, और हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे तो ये हमेशा समांतर माध्य से निकालेंगे यानी मीन से ही निकालेंगे। मीन डेविएशन में क्या होता था, समांतर माध्य मध्य का बहुलक तीनों से निकाल सकते थे, लेकिन इसमें सब मीन डेविएशन से ही समांतर माध्य से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में ए मान के करेंगे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड यानी वर्गंतराल वाला, तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वह वेरियंस का वर्गमूल होता है, या फिर इसको स्क्वायर कर दे तो वेरियंस बराबर होता है। मेन डाटा आपको दिया हुआ है तो इस प्रकार होगा, और नंबर दे रखा होगा 1, 2, 3 नेचर, तो ये वाला 1/2 एन स्क्वायर माइनस 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज्ञात हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट और स्टेप लिमिट्स, क्या क्या सीमाएँ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो एक्स माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो मिनिमम लिमिट्स आ जाएगी, ये मैक प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगी, तो परसेंट ये तीन प्रकार की होती हैं 1, 2, 3। तो जो फर्स्ट लिमिट्स हैं वो 60.27, 95.45 और 99.73, यानी तीन स्टेज दी हुई है। तो इस तरह अपन स्टैंडर्ड डेविएशन की सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सामूहिक प्रमाप विचलन। जैसे अपन ने सामूहिक समांतर माध्य पढ़ा था वैसे ही सामूहिक प्रमाप विचलन पढ़ेंगे, यानी इसको ज्ञात करने से पहले आपको सामूहिक समांतर माध्य भी ज्ञात करना पड़ेगा जो कि 1, 2, 3। उसके बाद जब ये ज्ञात हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और इसके अलावा क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, डी 1, 2, 3। तो सबसे पहले ये अपन स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट फॉर्मूलों के आधार पर कर लेंगे, जबकि डी अपन कैसे ज्ञात करेंगे, डी ये रहा, जब सामूहिक समांतर माध्य में से एक स्पष्ट सीरीज में से अपन सामूहिक समांतर माध्य लेस करेंगे 1, 2, 3, तो जो फर्स्ट आएगा वो डी 1 आ जाएगा। जब डी 2 की बात करेंगे तो फर्स्ट मान में से अपन सेकंड मान लेस कर देंगे, यानी सेकंड सीरीज का एक्स 2 में से एक्स 1, 2, 3 लेस कर देंगे, यानी डी 1, डी 2, डी 3 ज्ञात कर लेंगे। अगर चार सीरीज दे रखी हैं तो डी 4 भी हो सकता है। और सामूहिक समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, तो दोनों सिग्मा सामूहिक समांतर माध्य और डी ये ज्ञात करने के बाद इसमें फॉर्मूले में मान रखेंगे तो सामूहिक प्रमाप विचलन ज्ञात हो जाएगा। अब रिलेशन की बात करें तो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या क्या संबंध होता है, तो आपको वैसे भी बुक्स में बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, क्वार्टाइल डेविएशन 9 अपॉन मीन डेविएशन 7.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, 9.7.5/6, ये याद रखनी है, और आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबल एरर इसका फॉर्मूला इस प्रकार है। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा सामूहिक प्रमाप विचलन, लिमिट्स क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट मीन डेविएशन के डायरेक्ट फॉर्मूला और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन देखा, और रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज के फॉर्मूले देखे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।